बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से गांव वाले सहमे हुए हैं। बहराइच के अलग अलग इलाकों से पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां लगातार आदमखोर की तलाश जारी है और लोग दहशत में आकर लगातार पहरेदारी में जुटे हुए हैं। भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए। लोग इतने डरे हुए हैं कि अब इलाके के विधायक के बेटे भी हौसला बढ़ाने के लिए गश्त पर लग गए हैं और लगातार गन्ने को खेतों में भेड़ियों की तलाश की जा रही है। तो गन्ने के खेतों में भेड़ियों की तलाश लगातार की जा रही है, क्योंकि गन्ने के खेत ही भेड़ियों का एक ऐसा सहारा है जहां पर वो छुप जाते हैं या जहां से वो भागने में कामयाब हो जाते हैं और वन विभाग की पकड़ से दूर है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से हड़कंप मचा हुआ है। 50 गांव के लोग भेड़ियों के हमलों से दहशत में हैं। गांव में रहने वालों की हर रात भारी पड़ रही है, ना चैन से सो पा रहे हैं और ना ही चैन से जग पा रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों की दहशत ऐसी मानो लोग रात भर हाथों में लाठी और टॉर्च लेकर अपने घरों की रखवाली कर रहे हैं। इन सबके बीच सवाल यही कि आदमखोर भेड़ियों का आतंक कब खत्म होगा। देखिए, बहराइच जिले में इस वक्त रोशनी की बेहद जरूरी है। दो तरह की रोशनी इन्हें चाहिए। एक रोशनी चाहिए इस घुप अंधेरे से, एक ऐसे अंधेरे से जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक जो है वो मचा हुआ है बहराइच में, जिसने कई जिंदगियों को अपना निशाना बनाया। दूसरा, जिस रास्ते में इस वक्त हम चल रहे हैं, कई गांवों को ये जोड़ता है। आसपास के कई ऐसे गांव हैं जो इसे जोड़ते हैं। आप मुझे आसपास के गांव के नाम बताइए। गांव बगल बादुरिया, धनावा, पसदेवरी, बांसगढ़ी, बकैना, इतने गांव हैं। देखिए, अब इन गांव के नाम हम यहां पर क्यों ले रहे हैं? दरअसल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जो पूरा यहां पर जायजा लिया है इन सभी के साथ में, देखिए हम चल रहे हैं, इनका कहना यह है कि कम से कम इतनी रोशनी तो होनी चाहिए कि जिन आदमखोर भेड़ियों का जिक्र यहां पर बार बार किया जा रहा है, जिस टॉर्च को लेकर हम हाथों में घूमने के लिए यहां पर मजबूर नजर आते हैं, उसमें एक भी जो रोशनी है वो नजर नहीं आ रही है। दिक्कत होती है क्योंकि रोशनी नहीं है, यहां पर लाइट नहीं लगी हुई है। बहुत दिक्कत होती है रात को। रात को अंधेरे में टॉर्च जैसे डिसमिस काट गए तो जैसे आप अंधेरे में पर जाएंगे। अंधेरे में रात को बाहर निकलने से भी दिक्कत होती है। रात को जागते जागते जुकाम बुखार तक आ जाता है। न्यूज 18 के रिपोर्टर रात भर गांव के लोगों के साथ भेड़िए की तलाश के दौरान साथ रहे। रात भर एक ई रिक्शा में बैठकर गांव के लोग अनाउंसमेंट करते रहे और भेड़िए के खौफ में रात भर जागकर रात गुजारे। चार बजे का वक्त है और लगातार न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से ई रिक्शा में, दरअसल मैं इसलिए बैठी हूँ आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पर जागते रहो कि आवाज जो है आपको साफ तौर पर सुनाई देगी। मेरी आवाज जो है शायद आपको यहाँ पर धीरे सुनाई देगी, लेकिन देखिए ये जागते रहो की आवाज जो है ये बताती है कि आखिर किस तरीके से जो है लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। और ये इसी तरीके से जो है पूरे गांव में घूमते, भैया आप लोग पूरे गांव में घूमते हैं, चलिए जहां तक आप लोग जा रहे हैं पूरे गांव में घूमते हैं। हां जी, चलिए ग्राम पंचायत और ही ग्राम कितने गांव में आप लोग घूमते हैं? जी सुबह से पछलहरा। अच्छा। जी और अभी तक कितने गांव में घूम के लोगों को जागरूक किया है? जागरूक यहां से सिसैया चोरामड़ से सीधे सर मक्कापुरवा से सीधा। तो देखिए ये आप सुन सकते हैं साफ तौर पर, जागते रहो, अपनी सुरक्षा स्वयं करो, प्रशासन आपके साथ है, बच्चों को घर के अंदर सुरक्षित रखो, इस तरीके से जो है लगातार ये बात कही जा रही है। एक बार भैया रुकिएगा, देखिए कुछ घर भी यहाँ पर मौजूद है। हम ग्राउंड रियलिटी भी एक बार दिखा देते हैं आपको किस तरीके से लोग जो है वो अपने घरों को सेफ रख रखे हैं, अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको। सर आपके बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं? कहाँ हैं बच्चे? छोटे बच्चे नहीं है, आसपास के छोटे बच्चे हैं? हाँ, छोटे बच्चे। कितने जो लोगों को घरों में रखा हुआ है, बच्चों को घरों में रखा हुआ है? अच्छा ये बताइए प्रशासन जो मदद कर रहा है, जैसे अनाउंसमेंट की जा रही है, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, समझ पाया। आप लोगों ने भेड़िया देखा है? जी सर भेड़िया देखा है। जी, जी, जी। आपने देखा है? हाँ जी। कहाँ देखा था? बहुत यही पर। आपके हाथ में मैं टॉर्च देख पा रही हूँ। टॉर्च आप भी रात भर जगेंगे? हाँ, टॉर्च जलती है रात भर। आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो कभी आप लोग को डर नहीं लगा कि भेड़िया अगर यहाँ पे आ जाए सामने से? तो जी सर
लोगन का डांटी था उसके बाद अंदर जाते हैं। अच्छा, आप लोग दरवाजा वरवाजा भी बंद करवाते हैं? जी जी, दरवाजा। तो देखिए ऐसे ही जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन लगातार लोगों से ये कह रहा है, और ये सुबह के 4 बजे का वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार ग्राउंड पर जो है हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपके घर का दरवाजा खुला हुआ है तो तुरंत दरवाजा बंद कीजिए, बच्चे जो है बिल्कुल भी शाम होने के बाद घर से बाहर ना निकले, क्योंकि छोटे बच्चों को ही जो है शिकार बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से अनाउंसमेंट जो है वो लगातार की जा रही है, प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है हमारी तो है ही, साथ में आपकी भी है।